हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम इस सेशन में कवर करेंगे तुलबा डायनेस्टी। अब देखिए, आपने मेडिवल हिस्ट्री में विजयनगर एम्पायर पढ़ा होगा और विजयनगर एम्पायर में हम फोर डायनेस्टीज का रूल देखते हैं। संगम डायनेस्टी, खैर संगम डायनेस्टी के द्वारा विजयनगर एम्पायर को स्टैब्लिश करा गया था 1336 में, और उस समय संगम डायनेस्टी के रूलर हुआ करते थे हरिहर एंड बुका। नेक्स्ट डायनेस्टी आई थी सालुआ डायनेस्टी, और फिर नेक्स्ट डायनेस्टी हमें देखने को मिली थी तुलवा डायनेस्टी, और जो विजयनगर एम्पायर की लास्ट डायनेस्टी थी उसका नाम था अरावीदु डायनेस्टी। अगर हम विजयनगर एम्पायर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो दो ही डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है, संगम डायनेस्टी। खैर ये तो इंपॉर्टेंट हो ही जाएगी क्योंकि इनके द्वारा स्टैब्लिश करा गया था जैसे कि मैंने आपको बताया, और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तुलवा डायनेस्टी से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से रूलर रहे हैं तुलवा डायनेस्टी के। फाउंडर थे तुलवा नरेश नायक, और उसके बाद वीर नरसिम्हा राय, और जो सबसे पावरफुल रूलर थे जिनके समय में तुलवा डायनेस्टी जेनिथ पर थी उनका नाम है कृष्ण देव राय। और सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंशन है वो भी इनके समय में हुआ था, और आपने डेफिनेटली तेनाली रामा और कृष्ण देव राय के किस्से भी सुने होंगे बचपन में। और नेक्स्ट रूलर हमें देखने को मिले थे अच्युत देव राय, और नेक्स्ट रूलर हैं वेंकटा फर्स्ट। इतने इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि इन्होंने 6 मंथ तक ही रूल किया था। और जो लास्ट रूलर थे और इनके समय में जो तुलवा डायनेस्टी है उसका वर्चस्व खत्म हो गया था, इन शॉर्ट डिक्लाइन फेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है तुलवा डायनेस्टी का, और इनका नाम है सदा शिव राय, और इनके समय में बैटल ऑफ तालिकोटा हुआ था, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कृष्ण देव राय से। कृष्ण देव राय का जो टेन्योर है इंपॉर्टेंट है, 1509 से लेकर 1529। और अगर हम इस टेन्योर को अच्छे से समझे तो दिल्ली में उस समय कौन रूल कर रहा था, तो आपको याद आ रहा होगा 1526 तक दिल्ली में रूल कर रही थी दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत की जो लास्ट डायनेस्टी थी लोदीज ये रूल कर रहे थे। और अगर हम रूलर के बारे में देखें तो 1509 से लेकर 1517 तक सिकंदर लोदी रूल कर रहे थे, और 1517 से लेकर 1526 तक इब्राहिम लोदी रूल कर रहे थे। और 1526 में आपको याद आ रहा होगा पानीपत का प्रथम युद्ध, और यहाँ पर बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है, इवन मारी देता है, और यहाँ पर मुगल इरा स्टार्ट हो जाता है 1529 तक। 1526 से बाबर ने रूल करा, मैं इस टाइम लाइन के अकॉर्डिंग भी आपको समझा रहा हूँ। वैसे बाबर ने 1530 तक रूल करा था, और जो सिकंदर लोदी का रूल है वो 1489 में स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर एक पॉइंट आपने और याद रखना है, इंडिया में यूरोपियन कंपनीज का आगमन स्टार्ट हो गया था, और जो पहली कंपनी थी उसका नाम था पुर्तगीज। 1498 में वास्को डी गामा ने इंडिया को डिस्कवर्ड किया था, और यहाँ पर जो फर्स्ट गवर्नर थे 1505 में पुर्तगीज के द्वारा बनाए गए थे अल्फेंसो डे अल्माइडा, और जो नेक्स्ट गवर्नर थे जिनको हम रियल गवर्नर कहते हैं पुर्तगीज के अल्बेक्यू, उनके रिलेशन कृष्ण देव राय के साथ बहुत अच्छे थे, तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कृष्ण देव राय को रूलर बनाने में हेल्प करी थी सालुआ तीमा ने, जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे वीर नरसिम्हा के समय में। और अकॉर्डिंग टू डोमिंगो पुर्तगीज जो ट्रेवलर थे, इन्होंने कहा था कि कृष्ण देव राय वॉज एन एजुकेटेड एंड आइडल किंग एंड अ ग्रेट जज। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो उस समय रूलर हुआ करते थे, कोई भी रूलर हुआ करते थे, उनके पास कंप्लीट अथॉरिटी या कंप्लीट पावर हुआ करती थी, जैसे एग्जीक्यूटिव पावर हो गई, जुडिशरी पावर हो गई, लेजिस्लेटिव पावर होगी, तो सारी पावर किंग के पास हुआ करती थी। और नो डाउट 20 सालों का जो टेन्योर है अगर हम ये देखें कृष्ण देव राय का, तो विजयनगर एम्पायर में सबसे पावरफुल रूलर कृष्ण देव राय ही थे। इन्होंने बहुत सारे रूलर्स को हराया, जैसे गजापति राजा प्रताप रुद्र जो कि उड़ीसा में रूल कर रहे थे, लेटर ऑन मैट्रिमोनियल अलायंस करा और इनकी बेटी के साथ शादी कर ली। यूसुफ आदिल शाह जो आदिल शाही डायनेस्टी के रूलर थे, इनको 1520 में हरा दिया। और भी बहुत सारे एरिया कब्जाए, जैसे रायचूर दुआब वाला एरिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन था, हाई फर्टाइल लैंड था, और जो इस एरिया को जीत जाता था तो साउथ में कोई भी ऐसा डायनेस्टी या कोई भी ऐसा रूलर पंगा नहीं लेता था उस रूलर से। उदयगिरी फोर्ट इन्होंने कब्जा लिया, देन कोंडा विडू गुलबर्गा एंड बिदर ये वाला एरिया कब्जा लिया, तेलंगाना वाला एरिया कब्जा लिया गोलकुंडा के जो सुल्तान हुआ करते थे उनसे। और इनके पास बहुत सारे टाइटल्स थे, और ये टाइटल एज इट इज एग्जाम में पूछे जाते हैं, यमुना राजा, स्थापनाचार्य, अभिनवा भोजा, आंध्र पितामह एंड आंध्र भोजा, ये टाइटल आपने एज इट इज याद रखने हैं। एंड ही वॉज अ गिफ्टेड स्कॉलर इन बोथ तेलुगू एंड संस्कृत, तो इनकी कुछ रचनाएं हैं जो आपको एज इट इज याद रखनी पड़ेंगी। एक है अमुक्ता मल्यादा जो तेलुगु में इन्होंने लिखी थी और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। अब देखिए तेलुगु जो लैंग्वेज है, या फिर हम ड्रेविडियन लैंग्वेज की बात करें, तो विजयनगर एम्पायर में ड्रेविडियन लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, जैसे तेलुगु होगी, कन्नड़ होगी,
तो ये सारी की सारी जो लैंग्वेज हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, हम लास्ट में डिस्कस करेंगे सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन में। अब जो संस्कृत में ड्रामा लिखा गया था जम्बावती कल्याणम, और एक यहाँ पर बुक इन्होंने और लिखी थी उषा परिनियम, तो ये रचनाएं आपने याद रखनी है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पुर्तगीज के साथ इनके रिलेशन काफ़ी अच्छे थे, एल्बेक्यू क्यों ने इनके यहाँ पर मतलब इनके एम्पायर में एक एम्बेसडर भी भेजा था जिसका नाम था फ्रिहार लुइस, एंड इन्होंने बहुत सारे एरिया जीते। तो एरिया जीतने के बाद इन्होंने एक हाउस ऑफ विक्ट्री बनाया जिसको हम विजय महल के नाम से जानते हैं, एंड हजारा रामा टेम्पल एंड विट्ठल स्वामी टेम्पल भी इनके समय में ही बना था। एंड इन्होंने अपनी वाइफ की याद में एक सिटी बनाई थी नागलापुर, और इनकी वाइफ का नाम क्या था, नागला देवी। इजी है याद करना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी आपको ये नाम याद रखने में। एंड ये सिटी विजयनगर के बिल्कुल नियर अबाउट थी। और जो इनका लास्ट रेन था मतलब लास्ट ईयर वाला जो रेन था, उस समय जो एक नायक हुआ करते थे, नायक कह सकते हो, सूबेदार कह सकते हो, पॉलीगर कह सकते हो, अभी हम डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में कि पॉलीगर की जो पोस्ट है वो किस तरह से इंपॉर्टेंट होती थी विजयनगर एम्पायर में और स्पेशली तुलवा डायनेस्टी में। मदुराई के जो सूबेदार थे उन्होंने रिबिलियन कर दिया था इनके खिलाफ, और फिर सप्रेस्ट करा गया था कृष्णदेव राय के द्वारा इस रिबिलियन को। और जो तमिल डिक्शनरी है वो भी इन्हीं के समय में लिखी गई थी, और इनकी डेथ होती है 1529 में। अब देखिए कृष्णदेव राय के समय में 8 दिग्गज होते थे, अष्ट दिग्गज जिनको हम कहते हैं, मतलब 8 पॉइंट्स भी आप कह सकते हो। तो इनकी जो रचनाएं हैं और जो इनके नाम हैं वो एज इट इज पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे पिडन्ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इनको एक टाइटल भी दिया हुआ था आंध्र कविता पितामह, ये टाइटल भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। और इनके द्वारा जो रचनाएं करी गई थी मनुचरित्रम हरि कथा सारम, एंड तिमन्ना के द्वारा जो रचना करी गई थी पारिजात पहलनम, एंड एक माध्या होते थे, माध्या का पूरा नाम वैसे माध्या गरीब मलाना था बट आप माध्या के नाम से यहाँ पर याद कर सकते हो। और इनके द्वारा जो रचनाएं करी गई थी राजशेखरा चरित्रम, बस एक ही आप यहाँ पर याद रखिए। उसके बाद दुर्ज्योति, ये इन्होंने रचना करी थी काल हस्तीय महात्म्य, महात्म्य या फिर महाम्य। और सुरोना के द्वारा जो रचना करी गई थी राघव पांडवीयम, एंड प्रभावती प्राद्रुनम, एंड तेनाली रामा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आपने याद रखना है। जो इंपॉर्टेंट है वो पिडन्ना तिमन्ना एंड तेनाली रामा, यहाँ से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और इनकी जो रचना थी वो पांडुरंगा महात्म्यम, एंड एक आयाला राजू रामा भाद्रुदु, इनके द्वारा जो रचना करी गई थी मत्सरा संग्रह, और रामा राया भूषण, ये 8 थे। इनकी कोई ऐसा रचना आपको याद नहीं रखनी, तो होपफुली यहाँ पर मैंने नाम सही से लियो। थोड़े से आपको यहाँ पर टफ लगेगा नाम याद करना, लेकिन आप एक दो बार पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा, और इनकी रचनाएं एज इट इज आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए अच्युत राया जो थे, इनका टेन्योर स्टार्ट होता है 1529 से लेकर 1542, और जैसे ही कृष्ण देव राय की डेथ होती है तो फिर यहाँ पर वार ऑफ सक्सेशन हमें देखने को मिलता है, मतलब थोड़ा सा डिस्प्यूट हो जाता है, और यहाँ पर रूलर बनना होता है सदाशिव को, लेकिन इनकी एज बहुत कम होती है और ये रूलर तो बन जाते हैं लेकिन संभालता कौन है, यहाँ पर कृष्ण देव राय के जो मतलब एक सन इन लॉ होते हैं राम राय, लेकिन यहाँ पर रूलर बनते हैं अच्युत राय। थोड़ा सा डिस्प्यूट देखने को मिलता है और इस डिस्प्यूट को फाइनली यहाँ पर सॉल्व कर दिया जाता है और नेक्स्ट रूलर बनते हैं अच्युत राय। और इनके समय में बस एक टेम्पल बना था जो आपने याद रखना है, तिरुवेंगलनाथन टेम्पल, और इसको हम अच्युत राय टेम्पल भी कहते हैं, यहाँ पर ये टेम्पल आप देख सकते हो। और इन्होंने डिफीट किया था आदिल खान को, गोलकुंडा के रूलर को, एंड गजापति, गजापति आप उड़ीसा वाला एरिया याद कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी पावरफुल थे, लेकिन जो सबसे पावरफुल थे वो कृष्णदेव राय ही थे। और जो नेक्स्ट और लास्ट रूलर थे तुलवा डायनेस्टी के सदाशिव राय, इनके समय में जो तुलवा डायनेस्टी है वो काफ़ी वीक पड़ जाती है, ये एक पपेट रूलर थे, और सारी की सारी जो पावर है वो इनके मिनिस्टर राम राय के हाथ में होती है, और ये यहाँ पर नोबल्स को भड़काते रहते हैं, मतलब इधर की बात उधर, और यहाँ धीरे धीरे जो तुलवा डायनेस्टी है वो वीक पड़ जाती है। और फिर मौके की नज़ाकत को देखते हुए यहाँ पर हमें बैटल देखने को मिलता है तालीकोटा का बैटल, और फाइनली यहाँ पर जो तुलवा डायनेस्टी है वो हार जाती है। और तालीकोटा का जो बैटल है इसको राक्षसा तंगाड़ी भी कहा गया, जो 1565 में हुआ था। और लेटर ऑन जो विजयनगर एम्पायर है वो शिफ्ट हो जाता है पेनोकोंडा में, फिर चांद्रगिरी में, और फिर यहाँ पर ये धीरे धीरे मतलब ख़त्म ही हो जाता है, और नेक्स्ट डायनेस्टी हमें देखने को मिलती है अराविदु डायनेस्टी। अब यहाँ हम एडमिनिस्ट्रेशन समझ लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था नायक और पोलीगर वाला जो एक पोस्ट थी वो इम्पोर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन इनका वेल ऑर्गेनाइज था, वेल ऑर्गेनाइज हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं,
कि जैसे हमने देखा कि साउथ वाला जो एरिया है, यहाँ पर विजयनगर एम्पायर हमें कंप्लीटली देखने को मिलता था, तो ये कंप्लीट एरिया किसके अंडर था? किंग के अंडर। और किंग ने इसको डिसेंट्रलाइज कर रखा था, मतलब प्रोविंस में बांट रखा था। जैसे आप आज की डेट में देख लो, जो मान लो कि यहाँ पर इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख लेते हैं फिर आपको याद रहेगा। तो इन्होंने प्रोविंस के हिसाब से उसको डिवाइड कर दिया, मतलब स्टेट्स को इन्होंने 14 प्रोविंस बना दिया। और उसके बाद मंडला, आप मान लो कि यहाँ पर 28 स्टेट्स हैं, मतलब धीरे धीरे ये डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं पावर को। पहले अंपायर संभालेंगे किंग, देन प्रोविंस, यहाँ पर इनके कोई जो अपॉइंट किए जाएंगे तो वो संभालेंगे जो इनके मिनिस्टर्स हैं, फिर मंडला में अपॉइंट किए करे जाएंगे नायक एंड पॉलीगर्स। और जो ये पॉलीगर्स और नायक होते थे, इनकी पोस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी, इनको पैलेस दिए जाते थे और इनको कुछ विलेजेस गिफ्ट करे जाते थे कि आप इन विलेजेस से अपना खर्चा चलाइए। और इनको आर्मी रखने का यहाँ पर अथॉरिटी थी, और वो आर्मी वैसे रखी जाती थी कि अगर कभी राजा को जरूरत पड़ी तो ये आर्मी इनसे मंगवा सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को जो डिवाइड करा गया था, इसको कोटम या वलांदू कहा जाता है। फिर ग्रुप ऑफ 50 विलेजेस को मेलाग्राम कहा जाता है, एंड स्थल या फिर सीमा कहा जाता है सम ग्रुप ऑफ विलेज। आप 6 to 10 यहाँ पर विलेज कंसिडर कर सकते हो। और जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, मतलब एक विलेज, इसको कंसिडर करा जाता था ऊर या फिर ग्राम। और यहाँ पर जो पॉलीगर्स हैं जिनको गिफ्ट करा जाते थे विलेजेस, मतलब यहाँ का जो टैक्स है वो आप वसूलिए, उसको कहा जाता था अमरन। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉलीगर्स को जो विलेजेस गिफ्ट करे जाते थे उसको हम क्या कहते हैं? अमरन। एंड यहाँ पर जो विजयनगर एम्पायर में अगर हम देखें एडमिनिस्ट्रेशन, वो बहुत कमाल का था, और जो फार्मर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर खुशहाली वाली जिंदगी जीते थे, क्योंकि टैक्स बहुत कम था। सिक्स्थ टैक्स लगता था, सिक्स्थ का मतलब होता है 1/6, जितना आप प्रोड्यूस करोगे उसका 1/6 आपको टैक्स देना होगा। तो बहुत कम टैक्स था। और यहाँ पर हमें पुर्तगीज देखने को मिले, तो जो प्रेगनेंसी एंड जो हमें क्लोथ्स हैं वो भी हाई क्वालिटी की देखने को मिलते थे, मतलब एक लग्जरी लाइफ यहाँ पर लोग जीते थे उस समय। और उसके बाद हम आर्किटेक्ट वर्क देख लेते हैं, जो तुलवा डायनेस्टी या फिर विजयनगर एम्पायर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कंसिडर करें, तो एक प्रोविडा स्टाइल यहाँ पर कंसिडर करा जाता था, जो एक तरह से हम ड्रेविडियन स्टाइल ही इसको मान सकते हैं। और इनके जो पिलर्स बनते थे उसको कहा जाता था मंडप्स, एंड गोपुरम यहाँ पर काफी ज्यादा हमें राइज देखने को मिलता था। गोपुरम आप यहाँ पर ये जो है इसको कंसिडर कर सकते हो। और पिलर्स पर हमें हॉर्स यहाँ पर इंस्क्राइब देखने को मिलता था, ये जो पिलर्स हैं यहाँ पर हमें हॉर्स देखने को मिलते थे। और इम्पॉर्टेंट टेम्पल कौन से हैं? जैसे विट्ठल स्वामी टेम्पल है, हजारा टेम्पल है, कृष्णदेवराय के समय में बने थे हम्पी में, और तदापात्री एंड पार्वती टेम्पल ये चिदम्बरम में है, वरदराजा यहाँ पर वरदराजा एंड एकम्बरनाथ टेम्पल ये कांचीपुरम में है। और जो यहाँ पर विट्ठल स्वामी टेम्पल है इसमें आपको देखने को मिलेगी रामायणा इंस्क्रिप्शन में, मतलब यहाँ पर जो वॉल है विट्ठल स्वामी की उसमें आपको रामायणा देखने को मिलेगी। और जो हजारा टेम्पल है इसमें आपको महाभारत की स्टोरी देखने को मिलेगी वॉल्स पर। और उसके बाद सोसाइटी कैसी थी? देखिए वुमेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सोसाइटी है वो काफ़ी अच्छी थी, और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर वुमेन्स को रखा जाता था, मतलब स्टेटस काफ़ी अच्छा था वुमेन्स का, और विडो रिमैरिज यहाँ पर अलाउड था, और इवन स्टेट सर्विस में वुमेन्स को कंसिडर करा जाता था, और वार्स में भी वुमेन्स को भेजा जाता था। और ये वैष्णविज्म को फॉलो करते थे, मतलब विष्णु भगवान को फॉलो करते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था विजयनगर एम्पायर में 4 डायनेस्टीज हुई। संगम डायनेस्टी शिव भगवान को फॉलो करते थे, वो शैवतीज थे। बाकी की सारी डायनेस्टी जैसे हमने डिस्कस करी, सालुवा डायनेस्टी और तुलवा डायनेस्टी एंड अरावीदु डायनेस्टी, ये वैष्णविज्म, ये विष्णु भगवान फॉलोवर थे। और तो ऑब्वियसली यहाँ पर काउ मीट तो अलाउड नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम एक चीज देखें, विजयनगर एम्पायर में जितनी भी डायनेस्टीज हुई ये एक तरह से सेकुलर गवर्नमेंट चलाती थी, मतलब यहाँ पर मुस्लिम्स को भी रिक्रूट करा जाता था, और जब पुर्तगीज आ गए थे तो फिर लेटर ऑन यहाँ पर क्रिश्चियंस को भी रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया था। और बहुत सारे हमें यहाँ पर टेम्पल्स देखने को मिले जो ड्रेविडियन स्टाइल में ही थे, और ड्रेविडियन लैंग्वेज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें इसमें ग्रोथ देखने को मिली, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम। तो ये था तुलवा डायनेस्टी से। और जो ये ट्रेवलर्स हैं इनको आपने एज इट इज़ याद रखना है, निकोल दे कोंटी ये इटालियन ट्रेवलर थे, ये आए थे संगम डायनेस्टी के समय में, देवराय फर्स्ट संगम डायनेस्टी के रूलर हैं, 1420 में आए थे। अब्दुल रजाक ये पर्शियन रूलर हैं, देवराय सेकंड के समय में आए थे, ये भी संगम डायनेस्टी के रूलर हैं 1443। और उसके बाद डोमिंगो पेस ये हमने पढ़ा था, कृष्ण देवराय के समय में आए थे, पुर्तगीज ट्रेवलर थे 1520। एंड बारबोसा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बारबोसा,
और बारबोसा ने डिस्क्राइब करा है कि जो विजयनगर एम्पायर है उसकी सोसाइटी काफ़ी रिच सोसाइटी थी, मतलब यहाँ पर कल्चर को लेकर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट थी और एक प्रॉपर सेकुलर गवर्नमेंट ये चलाते थे। तो इनकी जो मतलब बुक है उसमें हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है विजयनगर एम्पायर से और स्पेशली तुलवा डायनेस्टी से। और ये पुर्तगीज थे ट्रेवलर एंड किसके समय में आए थे, कृष्णदेव राय के समय। और जो नेक्स्ट आपने याद रखना है नूनिस, ये भी पुर्तगीज ट्रेवलर थे और ये अच्युत राय के समय में आए थे। तो ये था इस सेशन का एनालिसिस। होपफुली इस सेशन में जो भी आपके डाउट्स रहे होंगे वो आपको क्लियर हो गए होंगे और इस तरह के सेशंस हम लेकर आते रहेंगे जिससे आपको टॉपिक टू टॉपिक नॉलेज मिलती रहेगी और आप एक टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो होपफुली आपको इस सेशन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।